नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रपत्र को सूचना प्राप्त करने हेतु थाना या ओपी में कैसे आवेदन भरेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग जिस भी थाने या ओपी या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के कार्यालय से अगर सूचना चाहते हैं तो उसी तरह हम लोग यहाँ लिखेंगे, सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, यहाँ ओपी कार्यालय या थाना, संबंधित थाना जहाँ से आप लोगों को सूचना चाहिए उसका नाम लिखते देंगे, पूरा पता यहाँ लिखेंगे, थाना का अपना नाम लिख देंगे, उसके बाद अपना पूरा पता लिखेंगे। अब थाने से आप लोगों को किस तरह की सूचना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग यहाँ 1-2 करके लिखेंगे। मैंने यहाँ थाना के द्वारा पुलिस अधीक्षक को कुछ झूठे रिपोर्ट भेजा गया था, उसी से संबंधित मैंने यहाँ सूचना की मांग की है। आप यहाँ FIR की कॉपी भी मांग कर सकते हैं या जो भी आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं थाना से प्राप्त करने के लिए, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिख लेंगे और जो भी चाहेंगे वो एक ही विषय वस्तु से हो और 150 अक्षर से ज़्यादा नहीं हो, यह ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार भर देंगे। और जिन्हें यह फॉर्म यदि उपलब्ध नहीं हो तो इसी प्रकार आप लोग सादे कागज़ में एक आवेदन इसी तरह लिख करके भी आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगता है जो आप लोगों को डाकघर से उपलब्ध कराया जाएगा, या आप हैंड टू हैंड भी जमा कर सकते हैं, नगद भी दे सकते हैं, या बैंकर्स चेक से भी दे सकते थे, या आप जो है जुडिशियल स्टाम्प भी दे सकते थे। मैंने यहाँ बैंक चेक के द्वारा एक सूचना की मांग की थी, इसलिए मैंने SBI के बैंक चेक का यहाँ वर्णन किया है। इसके बाद जिसे पोस्टल ऑर्डर मिलेगा वो अपना पोस्टल ऑर्डर यहाँ भर देंगे, मैंने 10 रुपये का रसीद संख्या इतना इतना से पोस्टल ऑर्डर शुल्क के रूप में दे रहा हूँ, इसी प्रकार आप लोग यहाँ भर देंगे। उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर और पूरा पता लिख देंगे, जिस जगह से आप सूचना मांगना चाह रहे हैं, अपने स्थान जहाँ घर हो वहाँ पता लिखेंगे, अपना डेट भर के इसे अच्छी तरह से लगा के डाल देंगे। मैंने इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैंने फी के रूप में इसमें चेक जमा किया था, जिसका आप लोग देख लीजिए, मैंने चेक साइन किया हुआ है। और उसके बाद जहां आप लोगों को भेजना है अपने संबंधित थाना का नाम लिख देंगे, सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी सह OP रतवारा या जो भी थाने से संबंधित हो, यहां उस अध्यक्ष का पता दे देंगे, अपना थाना का पता लिखेंगे, इधर अपना पूरा पता लिख देंगे। आशा है आप लोगों ने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा कैसे हम लोग थाना के द्वारा थाना से सूचना मांग सकते हैं। यदि इस पर ससमय सूचना नहीं दी जाती है तो इस पर हम लोग प्रथम अपील या द्वितीय अपील या शिकायत भी सूचना आयोग में कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी तो एक दूसरे को अवश्य शेयर करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नोटिफिकेशन के रूप में कोई भी अन्य वीडियो डालने के बाद उनको ससमय उपलब्ध हो सके। जय हिंद।